पढ़ेंगे। आपको बता दें कि सरिस्का से इस वक्त की राहत की खबर आ रही है, आखिर बाघ टी 2303 वापस लौटा अपने घर। तो सुखद खबर है, आपको बता दें कि बाघ टी 2303 वापस अपने घर लौटा है और सुरेखा करेटा रेंज में फॉरेस्ट टीम ने खोज निकाला है बाघ को। अलवर रेंज में है सुरेखा करेटा नाला, पिछले दिनों अलवर से हरियाणा तक पहुंच गया था बाघ टी 2303। आपको जानकारी दे दें कि डीसीएफ देवेंद्र जगावत के नेतृत्व में रामवीर सिंह गुर्जर और टीम ने आज बाघ को देखा। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने फॉरेस्ट टीम को इसको लेकर बधाई दी है। और अधिक जानकारी के हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, देखिए राहत की खबर निकल कर आ रही है क्योंकि जो बाघ टी 2303 था वो वापस अपने घर लौटा है, सुखद खबर है। क्या कुछ जानकारी निर्मल जी? देखिए अंधु, ये वो नया बाघ है क्योंकि अभी बिल्कुल पहले अलवर बफर क्षेत्र में ये इसका यहाँ जन्म हुआ था और यहीं पर लगातार ये अपनी माँ के साथ जो ST-19 है उसके साथ लगातार रह रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ी और इसको टेरिटरी की तलाश थी क्योंकि 1.5 वर्ष के आसपास इसकी आयु हो चुकी है, तो इसने टेरिटरी की तलाश में हरियाणा तक चला गया। तो उससे वन विभाग के होश उड़ गए थे कि वहाँ बाघ चला गया, उसके बाद लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन आज सुखद खबर यह है कि अलवर जो रेंज है उसमें सुरेखा खरेटा एक नाला है, एक जगह है, वहां पर पहले तो इस बाघ के पगमार्क दिखे, उसके बाद बाघ को इन्होंने डीएसपी कर लिया, यानी डायरेक्ट साइटिंग भी उसकी वन विभाग के अधिकारियों ने कर दी, जिसमें खुद डीसीएफ देवेंद्र जगावत के नेतृत्व में लगातार तलाश जारी थी, रामवीर सिंह गुर्जर उसमें थे, तमाम अन्य जो विभाग के जो कर्मचारी थे उसको देख लिया है और उसको अब कोशिश ये की जा रही है कि इसकी लगातार सतत निगरानी की जाए ताकि ये यहाँ से बाहर वापस हरियाणा की तरफ कम से कम ना जाए और अलवर और सरिस्का का जो क्षेत्र वहीं पर इसका जो विचरण स्थल है उस पर ही रहे। लेकिन खास बात ये इंदु देखिए कि चूंकि ST-19 ने जो उसके दोनों जो शावक थे जिसमें T-2301 और 2302 जो दोनों शामिल थे, ये दोनों ही लगातार टेरिटरी की तलाश कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये अपनी टेरिटरी बनाएं ताकि इनको वापस से किसी दूसरे क्षेत्र में विचरण करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए वहाँ कैमरा ट्रैप लगा दिए गए हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको यहीं पर एक अच्छा प्रेबेस मिले ताकि इनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद यही है कि अब दोबारा से उस रास्ते पे ना जाए। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि T-2301 मिल गया है और जल्दी उसकी फोटो भी फर्स्ट इमेज सबसे पहले आपको दिखाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी जानकारी साझा करने के लिए।